अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025। बच्चों अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपको एंड तक देखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। और आप लोग में से बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोग क्वेश्चन पेपर हम लोगों को दिखाइए, जो 2025 में हम लोग का पेपर बनेंगे वो किस तरह का आएगा, किस टाइप का रहेगा, किस तरह का पैटर्न रहेगा, किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, किस तरह का क्वेश्चन जो है पेपर होंगे। तो बच्चों आप सभी का जो डिमांड था, सो फाइनली मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का ओरिजिनल क्वेश्चन टाइप पेपर में जो आप लोगों का लेकर के आ गए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे बच्चों, आपको सेम टू सेम हूबहू इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं, इसमें हम लोग 70 जो काफी गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको बच्चों लगभग 30-45% आपको क्वेश्चन बच्चों यहां से आपको इस सेट से देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से आपको एंड तक देखना चाहिए, एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह बच्चों आप लोग शेयर करते, ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी हेल्प होंगे। एंड जो बच्चे नए हैं, आप चाहते हैं कि हम 2025 का फाइनल तैयारी करें, तो बिल्कुल आप इस चैनल के माध्यम से जो है संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए इस तरह का आपको जो है क्वेश्चन बुक लेट आपको जो क्या कोड मिलेंगे, क्वेश्चन बुक सेट कोड आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बुक लेट सीरियल नंबर आपको यहां देखने को मिलेंगे, हैं 70 आपका जो है एमसीक्यू रहने वाला, 20 आपका लघु उत्तरीय और 6 जो आपका दीर्घ उत्तरीय, यानी प्रश्नों की संख्या 96 रहेंगे, ठीक है। ये सारा चीज आप लोग देख पा रहे हैं, 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। ये सेम टू सेम हूबहू आपको इसी प्रकार का कुछ देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखेंगे, ये आपका निर्देश रहेंगे, 1 से लेकर 70 तक का आपका एमसीक्यू रहेंगे, है ना। जो एमसीक्यू रहेंगे इसमें आपको क्या रहेगा बच्चे, कि इसमें से 35 प्रश्न का ही आपको कहां पे भरना है, ओएमआर शीट पर आपको फिल करना है, कितना 35 प्रश्न का ही आपको जो है जवाब देना है, कितना 35। तो ये आप चीज जो है नोट कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया बच्चों, जैसे देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको, चलिए जैसे देख रहे हैं आप लोग पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में है ना। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दूसरे उद्योग के लिए जो कच्चा माल तैयार करता है, तो इनमें से कौन सा उद्योग जो है दूसरे के लिए जो है कच्चा माल तैयार करता है। तो बिल्कुल बच्चों आपको पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं आधारभूत उद्योग जो होता है ये क्या करता है, दूसरे जो है मतलब उद्योग के लिए जो है क्या कच्चा माल तैयार करता है, ओके। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते क्वेश्चन नंबर, आप देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन जो है तृतीय क्रियाकलाप है ना। तो हम लोग जानते हैं पंचम क्रियाकलाप है, तो यहां अगर बात करते हैं यहां से आपको क्या पूछा गया, तृतीय क्रियाकलाप की बात करते हैं, तो तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है कि सेवा सेक्टर इसमें आएगा, जो हमें सेवा प्रदान करता है वह तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, ओके। तो यहां आपसे तृतीय क्रियाकलाप कौन सा होगा, देखिए खेती जो आता है ये प्रथम क्रियाकलाप में आता है आपका, है ना, सब जानते हैं प्रथम में आता है। व्यापार जो आता है ये तृतीय क्रियाकलाप में आता है, ठीक है। व्यापार लोग क्या करता है, हमें सेवा प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल इसका बी जो आंसर होगा बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके समक्ष में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, इसमें ध्यान पूर्वक, कि निम्नलिखित में से जो है कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो यहां आपको बताना है इनमें से जो कौन सा यानी द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है बच्चों, इनके बारे में बताना है। अगर द्वितीय क्रियाकलाप की अगर बात करें, देखिए प्रथम क्रियाकलाप मछली पकड़ना जो आएगा ये प्रथम क्रियाकलाप में अंतर्गत आएगा, कौन सा आएगा प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। एंड लोह प्रगलन आपका जो बच्चों लोह जो होगा यानी द्वितीय में आएगा, वस्त्र निर्माण भी आपका द्वितीय में आएगा, टोकरी बनाना ये भी आपका द्वितीय में आएगा, लेकिन मछली पकड़ना आपका ये प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा बच्चों। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आपसे यहाँ क्या पूछा है निगेटिव का भाई नहीं की बात आ रहा है, तो निगेटिव का भाई जाएगा निगेटिव का आंसर, या नहीं बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा मछली पकड़ना हो जाएगा, ठीक है। या नहीं की बात करें तो मछली पकड़ना जो है प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है, इसलिए नहीं होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि नहीं की बात पूछ रहा है आपसे, है ना, ध्यान से देखिएगा आप चीज को, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जो जोड़ता है वो किनको कहां से जोड़ता है बच्चों, इनके बारे में बताइएगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख रहे हैं आप लोग ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जो जोड़ता है ये किनको कहां से जोड़ता है, तो वैंकुवर को सेंट जोन से जोड़ता है, बिल्कुल गलत, ये यहां से इसको नहीं जोड़ता है, चेंगडू को लहासा से बिल्कुल नहीं होगा, है ना, एडमोंट को जो है एनकोरेज से बिल्कुल नहीं, इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, डार्विन को जो है मेलबर्न से जोड़ता है, और इसका आंसर बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। देखिएगा पनामा नहर जो जोड़ती है वो किनको कहां से जोड़ता है, देखिए फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा पनामा नहर के बारे में, तो ये जो जोड़ता है किसको कहां से, प्रशांत महासागर से, जो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल आप लोगों का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन आपको बताना है, इसमें से जो कौन सा यानी विश्व के सबसे प्रमुख समुद्री पतन है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करते हैं प्रमुख पतन की, नौसेना पतन होगा, बिल्कुल नौसेना पतन नहीं है, है ना, तेल पतन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये विस्तृत पतन जो होगा बच्चों विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित महाद्वीपी में जो है किससे जो है व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है,
तो देखिए यहाँ जो आपका यानी क्या महाद्वीपीय व्यापार का जो सबसे ज्यादा प्रवाह होता है किससे होता है, एशिया महाद्वीप से, उत्तरी अमेरिका से, यूरोप से, अफ्रीका से। तो बच्चों बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है ये तो सबको पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। बच्चों इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, जो बच्चे उत्तरी अमेरिका दे रहे बच्चों आप सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया आप लोग, बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त। नेक्स्ट इसका आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है। बच्चों देखिए आपको जो है ना नॉलेजेबल पॉइंट बता रहे, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे हम, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ध्यान पूर्व अच्छे से सुनिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन नॉलेज को जो है ना कैन कीजिए, ठीक है। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो है किसका है बच्चों, तो याद होगा अपना बिहार का है। किसका है बच्चों, अपना बिहार का सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना, 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है बच्चों। तो ये 1106 कहाँ आपका, यानी ऑप्शन जो होगा बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज आपको नॉलेजेबल पॉइंट बता देते हैं, सबसे कम अगर बात किया जाए आपसे अगर पूछा जाएंगे कि सबसे कम जो है भारत का जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। कितना, 17 किलोमीटर यानी प्रति व्यक्ति जो है यहाँ है, ठीक है, 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करता है, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है। क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। देखिए अगर बात करते हैं भारत में सबसे पहली जनगणना जो हुआ था बच्चों, क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग, पहला जनगणना 1800 कब हुआ था, 1872 को हुआ था, ठीक है, ये चीजें आपको जो बिल्कुल बताना चाहिए। लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा गया, पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था कब, यानी पूर्ण रूप की बात हो रही है, तो पूर्ण रूप से जनगणना जो हुआ था, जो 10 वर्षीय जनगणना होता बच्चों, वो जो हुआ था 1881 से हुआ था। और इसका आंसर बच्चों 1881 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि जब अगर पूर्ण जनसंख्या की, पूर्ण जनगणना की अगर बात किया जाए तो 1881 होगा और ये 10 वर्षीय जनगणना होता है, ठीक है, जो अभी हम लोग का चलता है। आगे देखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी जो थी कितनी थी। देखिए भारत में जो नगर में रहने वाले जो व्यक्ति थे 2011 के जनगणना के अनुसार वो कितना परसेंट थे बच्चों, तो ये चीजें आप लोग को बतानी है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं 31 पॉइंट, यानी कितना था, 31.16 यानी 16%, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों ये जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से जो कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण। देखिए पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण अपना भारत में विवाह की वजह से बिल्कुल नहीं होता, पुरुष प्रवास नहीं होता, विवाह के कारण व्यवसाय के लिए नहीं, काम और रोजगार के लिए जो ना बच्चों, आप देखिएगा खास करके पुरुष को जो है काम और रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ठीक है। आप गाँव से अगर बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि गाँव के लोग अक्सर जो है कहाँ जाते हैं, शहर की ओर जाते हैं, क्यों, रोजगार की तलाश में, वहां क्योंकि आसानी से जो है रोजगार मिल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, रोजगार की तलाश, काम और रोजगार की तलाश में जो है क्या होते हैं, प्रवास करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जो बच्चों नोट कर लीजिएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिएगा निम्नलिखित राज्यों में जो किसका यानी 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात जो है न्यूनतम है। देखिए लिंग अनुपात अगर बात किया जाए तो 1000 पुरुषों में जो है स्त्री की संख्या की गणना की जाती है, ये अपना भारत का मैं बता रहा हूँ, अलग अलग देश में अलग अलग तरह से जो है निकाला जाता है, लेकिन अपना भारत का अगर बात किया जाए लिंग अनुपात निकालने के लिए सूत्र मैंने बताया था आपको, अगर मेरा क्लास आप लोग किए होंगे तो बच्चों पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास में जुड़ा कीजिए, जो बच्चे नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। देखिए अगर लिंग अनुपात सबसे कम जो अगर कहा जाए आपको या सबसे अधिक कहेंगे, तो सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा बच्चों, केरल है, ठीक है। केरल एक अपना राज्य है जिसमें जो 1000+ यानी से जो है लगभग क्या है लिंग अनुपात है अपना इसका केरल राज्य का, ठीक है। लिंग अनुपात में सबसे ज्यादा जो कौन सा, केरल। और सबसे कम अगर बात किया जाए तो आपके सामने बच्चों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बारे में बताइए। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ क्या, ऑप्शन आपका ए जो दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ हरियाणा दिया हुआ है, एंड बी में आपका क्या दिया हुआ है, गुजरात, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल इसका आंसर आपका हरियाणा जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, हरियाणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए बिल्कुल आपको पता होना चाहिए बच्चों। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो है क्या नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है कौन सा जो है मतलब राज्य का था बच्चों, तो गोवा जो है, कहां का, गोवा का जो है सबसे ज्यादा जो था। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गोवा राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सिंचित क्षेत्र में जो मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, यानी सिंचित क्षेत्र में जो है क्या होगा, यानी सिंचित क्षेत्र में जो मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, क्या हो जाएगा, यानी अनालिका अपरदन हो जाएगा, है ना, मृदा लवणता हो जाएगा, वायु अपरदन हो जाएगा, सिल्ट का जमा हो जाएगा। तो देखिए सिंचित क्षेत्र में जो मृदा निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण अगर बात किया जाए बच्चों, तो मृदा लवणता की वजह से होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मृदा लवणता, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, हुगली औद्योगिक प्रवेश का केंद्र बताइएगा। हुगली जो औद्योगिक प्रवेश का केंद्र है वो मतलब कौन, कहां से कहां तक है बताइएगा। तो देखिए अगर बात किया जाए तो हुगली जो है ना
क्या है, कोलकाता हावड़ा जो है क्या कच्चा यानी क्या हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कौन, कोलकाता और हावड़ा, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पहली रेडियो कार्यक्रम प्रसारित जो हुआ था बच्चों, पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित जो हुआ था 1923 को हुआ था या 11 को, जल्दी बताइए 1911 या 23 को, ये कमेंट करके आप लोग बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1923 होगा, ठीक है बच्चों। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1853 1753। देखिए अगर हम बात करते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये मैंने कई बार क्लास में आपको बताया और ये हम लोग जानते हैं 1853 में जो सबसे पहला बार जो है क्या रेल चलाई गई थी, ठीक है, कहां से कहां तक, मुंबई से लेकर थाने तक कितना किलोमीटर तक चलाया गया था बच्चों, 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। ये चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, कब चलाया गया था 1853 में, 34 किलोमीटर कहां से, मुंबई से लेकर थाने तक, मुंबई से है ना थाने, तो ये चीज याद रखनी है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे कोचीज पतन जो अवस्थित है बच्चों, वो कहां पे अवस्थित है, कोचीज पतन की बात हो रही है, ठीक है, तो देखिए कोचीज कर्नाटक में है, बिल्कुल नहीं होगा ये कर्नाटक में, उड़ीसा में नहीं, केरल में इसका आंसर आप लोग का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, यानी जल से होने वाला रोग जो बच्चों यहाँ से कौन सा है, देखिए जल जन्य रोग यानी जल से होने वाला रोग कौन सा है, श्वसन संक्रमण बिल्कुल नहीं होगा, है ना, नेत्र शोध नहीं, हम लोग जानते हैं जल से होने वाला रोग क्या है, अतिसार है, ठीक है। चलिए दिन ब दिन अपना बिहार के जो है ना ये बढ़ रहा है और ये बीमारी की ओर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा बच्चों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है मेगालोपोलिस जो है कहाँ है बच्चों, बताइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मेगा सिटी के बारे में पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो हम लोग जानते हैं बॉम्बे का, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, जो बच्चे बताए बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए धारावी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है, तो आपको बताऊंगा ना धारावी मलिन बस्ती, अभी खास करके कोरोना काल में ये ज्यादा जो है काफी चर्चित था, तो ये चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, है ना बच्चों, तो ये याद होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, तो धारावी मलिन बस्ती जो स्थित है बच्चों कहाँ पे, वो मुंबई में, ठीक है, तो ये चीज आप लोग भाई नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संभववाद की अवधारणा में जो है किस घटक को जो महत्वपूर्ण माना गया है ना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को पता है ना संभववाद की अवधारणा में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक माना गया था, किसको माना गया बच्चों, तो मानवीय घटक को माना गया है, प्राकृतिक घटक को माना गया है, या और भी दोनों को माना गया है, तो प्राकृतिक घटक को भी महत्वपूर्ण माना गया, मानवीय घटक को, तो यहाँ मानवीय घटक जो है बच्चों कहीं का आपको मानवीय घटक देखने को मिलता है, कहीं दोनों देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो देखिए विश्व के सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है इसमें से कौन सा नहीं है, तो सघन जनसंख्या वाला तो दक्षिण पूर्वी एशिया, ये विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में है, मतलब नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24, हाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है, तो जन स्थानांतरण का जो अपकर्षक कारक इनमें से अगर बात किया जाए तो कौन सा नहीं होगा, तो रहन सहन की जो निम्न दशा अगर जहां होगा तो ये जो नहीं होगा, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ओके क्लियर। देखिएगा विश्व के किस देश की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, तो हम लोग जानते हैं विश्व में जो है चीन का दिखाया जा रहा था, लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात किया जाए तो आप लोग को पता ना चीन को पछाड़ करके अपना भारत जो अभी एक नंबर पे आ गया, क्या आ गया, अपना भारत अभी एक नंबर पे आ गया, तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल नोट करना चाहिए, अपना भारत बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है, तो इसमें से आपको एकल कृषि बताना है, तो देखिए मिश्रित कृषि जो है ना एकल कृषि नहीं है, है ना। चलिए एकल कृषि क्या होगा, मिश्रित कृषि जो है एकल कृषि नहीं होगा बच्चों, इनको भी आप लोग जो पॉइंट वाइज नोट करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल के बारे में मैंने आपको बताया था, रोपण फसल कौन सा है ना, जो एक बार लगाया जाने के बाद जो है कई सालों तक 2 से 3 साल तक उसका जो है फल काटा जाता है, तो देखिए अगर यहाँ इसमें से रोपण फसल की अगर बात किया जाए तो रोपण फसल नहीं होगा, तो रोपण फसल में आपका कौन कौन सा आ जाएगा बच्चों, तो हम लोग जानते हैं गन्ना रोपण फसल है, रबर भी है आपका यानी कॉफी है ना, कहवा है ना, चाय है, ये सब तो क्या है बच्चों, ये को रोपण फसल है, ये जो बी इसका आंसर आप लोग का बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, गेहूं। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि की नहीं की जाती है, देखिए विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि कहाँ नहीं किया जाता बच्चों, तो अमेजन बेसिन में जो ये नहीं किए जाते हैं, और इसका आंसर बच्चों आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम है, मैंने क्लास में आपको बताया था सबसे ज्यादा जो है यानी घनत्व जो किस राज्य का है, तो बच्चों ये आप लोग को अपना बिहार के बारे में बताए थे, ठीक है, बिहार के बारे में बताया जिसमें 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश जिसको एपी हम लोग बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश जिसमें 17 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से है बच्चों, है ना, तो वो कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और इसका आंसर बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो था बच्चों कितना था, तो अपना बिहार का जनसंख्या जो था 10.41 करोड़ था, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल नोट करते चलिएगा, ओके। आगे देखिएगा निम्नलिखित राज्यों में से जो किसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, तो देखिए अपना भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है बच्चों कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश जो सबसे जनसंख्या वाला जो है राज्य है ना, और सबसे कम अगर बात किया जाए बच्चों तो ये आपको पता होगा सिक्किम होगा, ठीक है, कौन सा होगा,
सिक्किम होगा, यह चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, देखिए हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है बच्चों किससे है, तो हॉर्टिकल्चर हम लोग जानते हैं फल एवं सब्जी के लिए जो है ये संबंधित है, ठीक है। चलिए फूलों की कृषि को यानी पीसी कल्चर कहा जाता है। ये चलिए आप देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है बच्चों, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में बताइए क्या होगा इसका आंसर। ना शुष्क क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन का मुख्य कारण की अगर बात किया जाए तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा वायु अपरदन, बिल्कुल इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो बताइएगा दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत की अगर बात किया जाए, दक्षिण भारत में जो सिंचाई जो किए जाते हैं वो तालाब के माध्यम से किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का तालाब राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए तारापुर नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है बच्चों, ये तारापुर के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। सबसे पहले महाराष्ट्र में जो स्थापित किया गया था बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा पैनी महाराष्ट्र, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। देखिए तारापुर नाभिक ऊर्जा की बात करें तो इसका राइट आंसर जो बच्चे आप लोग बी दिए है, बिल्कुल आप लोग का आंसर बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच जो है अन्योन क्रिया का जो है क्या यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है बच्चों, इनके बारे में आप लोग को डेफिनेटली बताना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्रौद्योगिकी, यानी बिल्कुल इसका बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। देखिए नीतिवाद संकल्पना में किस घटक को जो महत्वपूर्ण माना गया है, तो नीतिवाद जो संकल्पना जो है किस घटक को महत्वपूर्ण माना है, तो प्राकृतिक घटक को जो बच्चों इसको जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल के बारे में मैंने बताया कौन कौन सा रोपण फसल, देखिए कॉफी आपका रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है, रबर भी है, लेकिन गेहूं जो आपका यानी क्या बच्चों रोपण फसल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पैनी रोपण फसल जो गेहूं नहीं है, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आपका क्या आएगा, मछली पकड़ना आ जाएगा, खेतीबाड़ी करना आ जाएगा, है ना, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हाँ ये तो आपका आ जाएगा आखेट हो जाएगा, ये सभी जो आपका यानी प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा। तो खेती जो आपका आएगा वो किसमें आएगा प्राथमिक क्रियाकलाप में, और व्यापार जो आएगा तृतीय क्रियाकलाप में आएगा, कौन सा आएगा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, बुनाई द्वितीय में आ जाएगा, जूट उद्योग द्वितीय में आ जाएगा। आगे देखिएगा, देखिए स्वेज नहर जो जोड़ती है वो किनको कहां से जोड़ता है बच्चों, ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, लाल सागर जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है, इसका आंसर मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बच्चों कहाँ पे है, तो नेताजी के बारे में आपको बताना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ये चीजें आपको जो है बच्चों पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, है ना, नदी के या नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो नदी के जो सहारे बसे हुए रहते हैं उसको रेखीय बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको रेखीय बोला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है पश्चिम भारत की नदी बेसिन है, बताइए पश्चिम भारत की नदी बेसिन के बारे में बच्चों आपको बताना है, ठीक है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका महाबेसिन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र बताइएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो होगा वो बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, गंगा डेल्टा जो बच्चों वो सबसे महत्वपूर्ण जो है जूट उत्पादक होगा, ठीक है, क्षेत्र है। अब बाबूबुद्धन की पहाड़ी जो बच्चों ये कहाँ पे है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, एकदम लड्डू वाला प्रश्न है बच्चों, तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, कर्नाटक में है, और इसका आंसर आप लोगों का कर्नाटक राइट होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो है गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए हम लोग जानते हैं गोंडवाना कोयला, सबसे पहले आपको बता कोयला के कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं नोट कर लीजिएगा, चार प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं चार, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा गया है, कौन कौन सा होता है एंथ्रासाइट विटामिन लिग्नाइट पीट, ये चार प्रकार के कोयला होता है, उसमें से आपका जो है एंथ्रासाइट जो है बच्चों उत्तम किस्म का कोयला है, कौन एंथ्रासाइट जो होता है बच्चों, वो एंथ्रासाइट जो होता है वो उत्तम किस्म का जो कोयला होता है, ये चीज आप लोगों को याद होना चाहिए। तो देखिए ये गोंडवाना कोयला जो बच्चों हम लोग जानते हैं झारखंड में है ना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक, तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए जलवायु, जलवायु की वजह से जो जनसंख्या क्या होता है वितरण जो प्रभावित होता है, ठीक है, जनसंख्या जो वितरण प्रभावित होता है बच्चों जलवायु की वजह से, जहां का अगर जलवायु अच्छा होगा तो वहां जो ज्यादा घना आबादी होगा, है ना, जहां का जलवायु ठीक नहीं होगा तो वहां जो आबादी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए शीत यानी जो बर्फीली एरिया होगा, बर्फीली एरिया में कभी जो रहना पसंद करेंगे आप, ज्यादा बर्फीला ज्यादा यानी ठंडी होगा तो वहां रहना पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ज्यादा गर्मी क्षेत्र में रेगिस्तान में रहना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये चीज जो है क्या होता है कि यानी जो प्रभावित जो करता है सबसे ज्यादा तो वो क्या करता है जलवायु, ठीक है। औद्योगिकरण के जो है कौन सा प्रदूषण होता है, देखिए औद्योगिकरण से सब प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, इनमें से सभी, तो बच्चों इसका आंसर आपका इनमें से सभी होगा, है ना। औद्योगिकरण से जो आपका यानी जल प्रदूषण होता है, कैसे जो कल कारखाना फैक्ट्री से जो मल मूत्र निकलता है वो जाकर के क्या यानी नदी में मिलता है और नदी का पानी को जो क्या करता है दूषित कर देता है, एंड वायु प्रदूषण उससे जो निकलने वाला धुआं वगैरह होता है वो पूरा है ना वायुमंडल को क्या करता है दूषित करता है, एंड ध्वनि प्रदूषण जिससे जो है मानव को जो है इससे काफी जो है मतलब क्या करता है यानी प्रभावित करता है, ठीक है बच्चों। तो ये सभी हो जाएगा। और आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे हथकरघा उद्योग क्या है, देखिए हथकरघा उद्योग जो बच्चों ये होता है कुटीर उद्योग है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा नोआमुंडी लोहे अयस्क क्षेत्र स्थित है बच्चों, तो ये जो होता है कुटीर उद्योग जो है बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे, है ना।
सॉरी मतलब ये जो स्थित है नॉर्मल है एस क्षेत्र स्थित कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है ना। स्वच्छंद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया। अब बताइए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, तो हम लोग जानते हैं ये 1960 के दशक में जो शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 1960 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता पतन जो स्थित है बच्चों वो कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली जानते हैं कि कोलकाता पतन है तो ये तो पश्चिम बंगाल में होगा ही, क्योंकि कोलकाता कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, ठीक है। चलिए तो आगे देखिएगा बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित रोगों में से कौन जो है वायु जन्म नहीं है। देखिए वायु से जो फैलने वाला रोग जो है इनमें से नहीं है, तो वायु से जो फैलने वाला रोग जो है श्वसन संक्रमण, वायु से फैलने वाला रोग है ना, नेत्र संलेषण शोथ ये भी जो है, लेकिन अतिसार जो बच्चों ये जल से फैलने वाला रोग है। कौन सा फैलने वाला रोग है, जल से, तो इसका आंसर आपका नहीं का भाई जाएगा, इसके साथ नहीं के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा ब्राजील के कॉफी बगान को, कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। देखिए ब्राजील में जो कॉफी बगान को जो है ना क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेजेंडा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो बच्चों कहाँ पे अवस्थित है ना, मणिपाल मणिपाल जो है मतलब मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो अवस्थित है बच्चों कहाँ पे अवस्थित है, तो ये हम लोग जानते हैं कर्नाटक में, ओके। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का कर्नाटक जो है ना बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ओके क्लियर हो गया आपका, ये चीज आप लोग नोट करते चलिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है कौन सी है। देखिए सबसे ज्यादा जो है प्रदूषित नदी जो बच्चों कौन सा नदी है, तो हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी जो है यमुना नदी है, और भारत का सबसे लंबा नदी तो आपको पता ही होगा गंगा नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, यानी ओपेक, यानी जिसको ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो है मतलब बच्चों क्या होता है मुख्यालय जो कहाँ है, तो ये मुख्यालय जो होगा वियना होगा, यानी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ओके क्लियर। देखिएगा आपके स्क्रीन पे, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में पाएगा, जो झील के चारों तरफ जो है बच्चों, झील के चारों तरफ जो अगर मतलब क्या होता है, मतलब प्रतिरूप जो होता है मतलब बसता है, तो उसको वृत्ताकार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक जो है नगर है, तो देखिए व्यावसायिक नगर की अगर बात किया जाए तो एमस्टर्डम ये जो है मतलब क्या है व्यापार के लिए, और इसका आंसर आप लोग का जो बच्चों क्या हो जाएगा, डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। देखिएगा आपके स्क्रीन पे 60 नंबर क्वेश्चन, उत्तर अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है बच्चों किनको कहां से जोड़ता है, इनके बारे में बताइए। देखिए उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ते हैं उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ते हैं, ओके क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपवासी द्वारा जो अपने उपनिवेशों में जो किस कृषि का जो है विकास किया था, चलिए बताइए, यानी यूरोपवासी द्वारा अपने उपनिवेशों में जो किस प्रकार की कृषि का जो है विकास किया था बच्चों, तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा आपका, रोपण कृषि हो जाएगा, है ना, रोपण कृषि, इसका आंसर आप लोग का रोपण कृषि बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। खट्टे फलों की कृषि जो संबंधित है यानी किससे है, देखिए खट्टे फलों की जो कृषि की जाती है बच्चों कहाँ पे की जाती है, ये हम लोग जानते हैं ये भूमध्य सागर क्षेत्र में जो है किया जाता है, जैसे कि अंगूर की खेती हो गया है ना, ये सब जो है कहाँ पे होती है, जो भी खट्टे फल होगा वो भूमध्य सागर क्षेत्र में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बच्चों, तो ये चीजें हम लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है क्या है, यानी कैनबरा हो जाएगा, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। अदिस अबाबा किसका राजधानी है बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक है। चलिए उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप जो है कौन सा होगा, ये उच्च जिसमें उच्च परिणाम होता है ये जो है, यानी किसमें कौन सा क्रियाकलाप के अंतर आएगा, तो ये बच्चों हम लोग जानते हैं पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या था, तो तालाब मैंने बताया या नलकूप, ये नलकूप के माध्यम से होता है, दक्षिण भारत में जो है तालाब के माध्यम से होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अगर आपसे अगर दक्षिण भारत पूछेंगे तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित खनिज में जो है किसको जो है भूरा हीरा के कहा जाता है, तो देखिए भूरा हीरा के नाम से जो बच्चों अभ्रक जाना जाता है, और इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा अभ्रक को, ठीक है। चलिए एकदम बिल्कुल आप लोग प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, जितने सारे बच्चे हैं आप लोग क्लास में जरूर शेयर कीजिएगा। और एक चीज आप लोग को बता दे, देखिए आप लोग तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, आप चाहते हैं कि हम घर बैठे बहुत ही बेहतर रिजल्ट करें है ना कम समय में, तो हम लोग एक ना स्पेशल टॉपर्स नोट्स स्टार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें 999 रुपए इसका प्राइस है बच्चों अभी, लेकिन हम लोग ऑफर में दे रहे हैं जो 499 रुपए में आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है टॉपर्स नोट्स मिल जाएंगे, जिसके मदद से अगर आप तैयारी करते हैं तो 400 प्लस मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हैं, जो इस बार लेकर के आए आप खुद चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप लेना चाहेंगे तो इस नंबर पे आप जो है फोन पे गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप में सेंड कीजिएगा, आपको जो है मतलब सेंड कर दिया जाएगा, या इसका जानकारी भी ले सकते हैं इस नंबर पे आप लोग 9162055090 है ना, इस नंबर पे आपको क्या यानी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चलिए तो देखिए इसमें क्या होगा, नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है बच्चों, तो याद होगा यानी कर्नाटक में जो है ना क्या नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है बच्चों। अगर देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, यानी बेलाडीला लोह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका यानी छत्तीसगढ़ में, और इसका आंसर आपका छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएंगे। केंदुझर मैग्नेट क्षेत्र जो स्थित है बच्चों कहाँ पे स्थित है, तो ये हम लोग जानते हैं उड़ीसा में होगा, राइट आंसर हो जाएंगे। उड़ीसा जो होगा केंदुझर मैग्नेट क्षेत्र जो होगा बच्चों उड़ीसा में होगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। देखिए ऊर्जा का जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होगा
तो वह सौर ऊर्जा जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है बच्चों, है ना, जो कभी जो क्या यानी खपत होने वाला है, बिल्कुल खपत नहीं होगा, है ना, जो पुनः जो स्थापित हो जाता है उसको जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आएगा। परंपरागत स्रोत जो है कभी ना कभी जो है क्या होगा वो उसको खत्म होना, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, है ना, डीजल, ये सब चीजें जो है खत्म होना है, ठीक है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, आप इन चीजों को समझते होंगे अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग बताइए 70 में से खुद से जो आप लोग कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाए हैं,